हेलो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी के गट्टे, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। इसके लिए मैंने लिया आधा कप कद्दू कद्दूकस किया हुआ, 1.5 कप गेहूँ का आटा, 3 हरी मिर्च लिए हैं कटा हुआ बारीक, लहसुन लिए हैं कटा हुआ 1 बड़ा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 खड़ा धनिया लिए 1 चम्मच, और ये हरा धनिया है कटा हुआ, बेकिंग सोडा है, कटा हुआ प्याज लिए है, सरसों है ये 1 चम्मच, सरसों लिया 1 चम्मच, आधा चम्मच खड़ा जीरा है, ये हींग है। लौकी के गट्टा बनाने के लिए तड़के की सामग्री और पानी के अलावा अन्य सभी सामग्री को एक बर्तन में डालकर मिला लेंगे और पानी के मदद से मिश्रण को जितना ये है उसको गोंद लेंगे। उसको बहुत ज़्यादा नहीं गोंदेंगे, हल्के हाथों से उसको गोंदेंगे और गोंदे हुए इसको सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। सबको एक बाउल में ले लिए हैं, जितना सामग्री लिए हैं इतना सबको इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, इसको हल्के आटे से मिलाना है। पानी के सहायता से इसको गूंदेंगे, वो ज़्यादा नहीं गूंदेंगे। अब इसका गोल गोल लोई काटेंगे और गट्टे के शक्ल में शेप देकर इसको स्टीम पर पकाएंगे। 10 से 15 मिनट तक इसको स्टीम पर पकाना है। दस से 15 मिनट हो गया है, इसको उतार लेंगे। फ्राई पैन चढ़ाएंगे तड़के के लिए। सरसों का तेल डालेंगे, तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा खड़ा जीरा डाल देंगे इसमें, खड़ा सरसों डाल देंगे, लाल मिर्च भी डाल देंगे और हींग भी डाल देंगे। जब थोड़ा फ्राई हो जाएगा तब इसमें प्याज डालेंगे, फ्राई हो चुका प्याज डालकर इसको लाइट फ्राई करेंगे। जब प्याज लाइट फ्राई हो जाएगा तो इसमें जितना मैंने भाप पर गट्टे बनाकर तैयार किए हैं इसमें डालेंगे। इसको आप स्नैक के तौर पर खा सकते हैं चटनी के साथ, ये बहुत ही अच्छा और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। देखिए मेरा प्याज अब तैयार हो चुका है, इसमें सारा गट्टा डाल दिए और हल्के हाथों से उसको पलट पलट कर कम से कम 4 मिनट तक इसको ढककर पकाएंगे। लो फ्लेम पर स्लो फ्लेम पर पकेगा 4 मिनट तक के कम से कम।
ये बहुत ही टेस्टी तैयार होता है बन करके गट्टा। आप भी इस तरह के गट्टा बनाइए, ट्राई कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए तैयार हो चुका। अब इसको सर्व करेंगे चटनी के साथ।